भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कृषि बिल को लेकर कहा कि इस बिल के जरिए किसान पूरी तरह आत्मनिर्भर बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम बनते ही किसानों की आय दुगनी करने का संकल्प लिया था, जो वो पूरा करना चाहते हैं। साथ ही कहा कि किसान इससे पहले अपनी फसल को लेकर निर्णय नहीं ले पाता था। वर्ष 2003 तक प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि थी, लेकिन मौजूदा समय में 40 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि है। यह भाजपा सरकार की देन है। जिसके साथ ही वीडी शर्मा ने कहा कि देश में पहली बार किसानों के हित में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। किसान अपनी फसल का अब मूल्य स्वयं तय करेगा। किसानों को सही मायने में पहली बार आजादी मिली है। इसी के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने बयान में कई बातें की। आइए आपको भी सुनाते हैं कि वीडी शर्मा ने अपने बयान में क्या कहा। मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश हमारा जो राज्य है, ये किसान वेलफेयर स्टेट है। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ किसानों के हितों में जो आवश्यक कदम है, उन आवश्यक कदमों को तत्काल उठाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि अगर 6,000 रुपए किसानों के हित में दी, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने 4,000 रुपए किसानों के खाते में डालकर किसानों के कल्याण के काम में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया है। अभी 17 तारीख को, आने वाली 17 तारीख को 1,000 करोड़ रुपए फिर माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के खाते में एक क्लिक के आधार पर उनके खाते में पैसा किसान सम्मान निधि के माध्यम से डालने का काम करेंगे। और इसलिए मध्य प्रदेश हमारा, जिसको हम कहते हैं कि हमेशा आगे रहा है। आंदोलन करने वाले लोगों से एक बात मैं और पूछना चाहता हूं कि जिस स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के बारे में इतने सालों से ये सारी चीजों को पेंडिंग बना के रखा था, तब इन्होंने एक स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू नहीं किया था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जब हमने पिछले कार्यकाल के अंदर स्वामीनाथन कमीशन की एक एक रिपोर्ट पर, एक एक रिकमेंडेशन को कैसे पालन होगा देश के किसानों के हितों में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।